हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेफ संदीप मेहरोलिया चैनल। बेसिकली मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए। मैं जानता हूँ कि मैंने वीडियोस तो पोस्ट किए, लेकिन बहुत सारे लोग ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप शेफ आपको हम कब देखने का मौका मिलेगा। तो फाइनली हियर आई एम एंड बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, हाउ माई जर्नी इज थ्रू ऑल दिस ईयर्स। सो बेसिकली आई एम बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स। मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और फाइनली आप जानते हैं कि ये जो पीरियड चल रहा है अभी फिलहाल, उसमें काफी लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा है, कोई भी रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा पा रहा है। तो मैंने फाइनली सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए या इस तरह से कुछ करना चाहिए कि लोगों को वही टेस्ट वही स्वाद अपने घर पर भी मिले। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आपके घर तक लेकर आऊं। इसीलिए मैंने अपना चैनल शेफ संदीप मेहरोलिया स्टार्ट किया और इसका रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यही चाहता हूं कि जब भी आप ये रेसिपीज बनाएं तो प्लीज अपनी फीडबैक हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का, और इससे हम आगे और नए नए डिशेस आपके सामने लाते रहेंगे। वेज की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वेज की एक बहुत ही बढ़िया डिश बनाई जाए। तो आज मैंने एक स्पेशल अपने अंदाज में हमारी डिश जो है वेज बिरयानी, वेज सोया मोती बिरयानी बनाई, जिसे हमने सर्व किया है कचुम्बर के साथ, पर आप इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी बिरयानी और क्या लजीज लग रही है। अब इसे किस तरह से बनाया जाता है उसे हम देखेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। जैसे आप जानते हैं बिरयानी के लिए सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो उनका मसाला। हम मसाला बाहर से नहीं ले रहे, हमने हमारा मसाला खुद से तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए आप हमने इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिए शाही जीरा करीबन 2 चम्मच, 2 टीस्पून, 8 से 10 ब्लैक पेपरकॉर्न, 4 क्लव्स, एक दालचीनी, 2 स्टार एनिस, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स या धनिया सीड्स, 2 से 3 छोटे तेज पत्ते, दगड़ फूल करीबन 3 से 4, मेस जावित्री करीबन 1/4 टीस्पून आपको चाहिए इसमें जायफल, जिसे मैंने टुकड़ों में कर लिया है। हमें इसे अच्छे से पैन में रोस्ट करना है, उसका एक पाउडर बना लेना है जो हमारे बिरयानी के लिए यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे ड्राई मसाले हमारे पैन में रोस्ट करने के लिए ले लिए हैं। इसे मैं अभी 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पर रोस्ट करूंगा और उसके बाद हमें इसे ठंडा करके इसका पाउडर बना लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बिरयानी का मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट किया वो तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं आज हम सोयाबीन बिरयानी या मोती वाली बिरयानी बनाने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स है वो हमने 50 ग्राम सोयाबीन को पानी में 30 मिनट्स के लिए सोक कर लिया है। सोया चंक्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर। उसके अलावा मैंने चॉप जिंजर लिए हैं, चॉप कोरिएंडर, चॉप मेंडलीस या पुदीना और चॉप की हुई ग्रीन चिली, नमक स्वाद अनुसार और चने का आटा बाइंड करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं हमारी सोयाबीन सोख हो चुकी है, अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे और हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है। फाइन पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का चंकी रखना है। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं हमने सोयाबीन का सारा पानी निकाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ हमारे चॉप किए हुए जिंजर करीबन 4 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा अदरक चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, तो मैं करीबन इसमें 5 टीस्पून डालने वाला हूँ। और करीबन 2 ग्रीन चिली है जो मैंने फाइन चॉप किए थे, उसे भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो करीबन 2 टीस्पून ग्रीन चिली। अब हमें इसे मिक्सर में पीस लेना है, लेकिन एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा हमें चंकी रखना है। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं हमारा सोयाबीन का मिक्सर अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो अब हम इस सोयाबीन के मिक्सर में हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं। इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ करीबन 20 से 25 ग्राम चॉप किया हुआ पुदीना, मिंट करीबन 20 से 25 ग्राम चॉप किया हुआ धनिया और सॉल्ट स्वाद अनुसार। मैं इसमें करीबन, फ्रेंड्स, इसमें हमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा मिक्सर अच्छे से मिक्स हो गया है, बट ये थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर है इसमें, तो इसलिए इस मॉइस्चर को कंटेंट को अलग करने के लिए मैं इसमें तो बाइंड करने के लिए अच्छे से मैं इसमें चने का आटा ऐड करने वाला हूँ। चने का आटा आपको आपकी अंदाजे से ऐड करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे चने के आटे की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए।
तो आपको पहले थोड़ा थोड़ा चना का आटा ऐड करना है और देखना है कि अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे इसकी मोतिया बनाने शुरू करेंगे। सबसे पहले इसे इस बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने हाथ पे तेल लगाना है, उसके बाद हमें अच्छे से इसे छोटी छोटी मोतिया बनानी शुरू करनी है। फ्रेंड्स आपको पता है आपका सोया चंक्स की जो आकार होते हैं हमें उतने ही साइज के मोती बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। आप देख सकते हैं मैंने तैयार कर लिया। इस तरह से आपको बाकी के चंक्स भी और सोयाबीन के मोती तैयार करने हैं। फ्रेंड्स हमारी सोया मोती रेडी हो चुकी है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे मोती फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। इसके बीच में हमने हमारे उसी तेल में हमारे अनियंस को जो स्लाइस किए थे, हमने 3 मीडियम साइज अनियन को अच्छे से फाइन स्लाइस किया है, उसे हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स हमारी बिरयानी बनाने के इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमारे सामने है हल्दी, नमक, रेड मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, हमारा होममेड बिरयानी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा कप दही, 2 मीडियम साइज के टमाटर चॉप किए हुए फाइनली, 2 ग्रीन चिली को फाइनली चॉप किए हुए, मिंट करीबन 25 से 30 ग्राम फाइनली चॉप किए हुए, और धनिया करीबन 25 से 30 ग्राम, और मैंने अराउंड 250 ग्राम बासमती राइस को अच्छे से पानी में सोक कर लिया है। फ्रेंड्स इसे जानते हैं आपको हमें लेयरिंग करनी है, इसलिए हमें येलो और रेड कलर लगेगा, तो ये भी हमने साथ में रख लिया है। फ्रेंड्स मैंने बिरयानी के लिए चावल कुकोने रख दिए हैं। इसमें मैं थोड़े से माइल्ड स्पाइसेस ऐड करूँगा, जैसे कि 2 बे लीफ, 2 ग्रीन इलायची छोटी वाली, 2 क्लव्स, 4 ब्लैक पेपर कॉर्न काली मिरी, और करीबन 1/2 टीस्पून जीरा। फ्रेंड्स मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ स्वाद अनुसार, और करीबन 1 चम्मच तेल, ताकि इसको अच्छा शाइन आ जाए। फ्रेंड्स हमें राइस को 50-60% ही कुक करना है, क्योंकि हमें इसे डम पर भी पकाना है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी राइस पूरी तरह से कुक ना हो, इसको 50-60% ही कुक करके आपको उसे स्ट्रेन करके इस राइस को साइड में रख लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दूसरी कढ़ाई में जहाँ पर अनियन को फ्राई किया था उसी में से मैंने थोड़े अनियंस साइड में निकाल लिए हैं, और बाकी के अनियंस को मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल के साथ में अच्छे से भूनने के लिए ले लिया है। इसी अनियंस में मैं बाकी के मसाले ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करने वाला हूँ, 2 छोटी इलायची और 1-2 सिनेमन स्टिक्स और 1 बे लीफ। आप देख सकते हैं मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, करीबन 25-30 ग्राम मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। आपको उसे अच्छे से चलाना है ताकि मसाले जले नहीं। फ्रेंड्स इसमें अब मैं 2 ग्रीन चिली चौकी हुई ऐड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से सौते कर रहा हूँ ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाए। फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं करीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, करीबन 2-3 टीस्पून आपके होममेड बिरयानी मसाला, ताकि इसको अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फ्रेंड्स अब हम इसमें 2 चॉप किए हुए टमाटो ऐड करने वाले हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे टमाटर इसमें चले गए हैं और थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इस वक्त हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारे 1/2 कप दही। फ्रेंड्स हमें इसे दही डालने के बाद लगातार चलाना है ताकि दही फटे नहीं, इसे अच्छे से कुक होने दीजिए। फ्रेंड्स मैं इसमें भी सॉल्ट ऐड करने वाला हूँ स्वाद अनुसार। फ्रेंड्स हमें इसे मसाले को अच्छे से मीडियम टू हाई हीट पर अच्छे से भूनना और कंटिन्यू चलाते रहना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपको सॉल्ट पर बहुत ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि हमने सॉल्ट 3 जगह पर यूज़ किया है। हमने सॉल्ट राइस में भी डाला है, हमारे मोती में भी डाला है, और हमने इसमें भी ऐड किया, तो इसलिए आपको सॉल्ट पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि आप सॉल्ट लिमिटेड मात्रा में डालें। फ्रेंड्स स्टेज पर हम इसमें ऐड करने वाले करीबन 1 चम्मच चॉप किया हुआ कोरिएंडर,
और 1 चम्मच पुदीना, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं साइड से इसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम इसमें हमारे सोयाबीन की मोटी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपनी सोयाबीन की मोटी हमारे मसाले में ऐड करने, हमें हल्के हाथ से आपको उसे मिक्स करना है ताकि ये टूटे नहीं, बस हल्के से आपको उसे मिक्स कर लेना है। आपको अच्छे से इसे हल्के मसाले में कोट कर लेना है, क्या हाथ से आपको इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से मसाले घुल जाने चाहिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे मोती की मोती रेडी हो चुके हैं मसाले के साथ में। तो अब हम इसे आधे से ज़्यादा हमें इसे निकाल लेना है और फिर हम इसे लेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे से चावल जो 60% कुक हुए थे वो हम लेयरिंग में करने स्टार्ट करना शुरुआत करेंगे। हमें इसका फर्स्ट लेयर अच्छे से इसे कवर कर लेना है। फ्रेंड्स अब हमने इस पर हमारे फ्राइड किए अनियन का लेयर डालेंगे। हमें सारे अनियन नहीं डालने, हमें 2 लेयर में बिरयानी सेट करनी, इसलिए हमें थोड़े अनियन इस पर डालने हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ थोड़े चॉप किए हुए कोरिएंडर, थोड़े पुदीना। इसमें मैं ऐड करने वाला करीबन 1 टीस्पून घी ताकि इसको अच्छा फ्लेवर आ जाए। फ्रेंड्स हम बचे हुए मोती के मसाले को उसमें ऐड करने वाले हैं। सारी जगह पर अच्छे से फैला दीजिए इसे ताकि ये इवन सब जगह पे से हमें सारी जगह पे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने बची हुई मोती भी सोया मोती को भी डाल दिया है ऊपर, और इसके अगर हम सेकेंड लेयर की राइस भी डाल देंगे। फ्रेंड्स हमारे सेकेंड लेयर के राइस भी चले चुके हैं, डाल दिए हमने। तो अब इसमें हम बचे हुए अनियंस इस पर लेयर कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे पूरी तरह से, और बाकी के हमारे मिंट और कोरिएंडर भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी चीज़, मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि हम इसे आगे 15 मिनट डम भी करेंगे, इसलिए हमें गैस को बंद कर देना है। फ्रेंड्स अब हम इसमें लास्ट में आखिर में 1 चम्मच घी ऐड करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि बिरयानी में लेयरिंग होती है उसमें कलर होता है, इसलिए हमने अपने रेड कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है जो मैं इस पर लेयरिंग के तौर पर बीच में डाल रहा हूँ। इसी तरह से हम अपने येलो कलर को भी डाल सकते हैं। इसकी जगह पे आप केसर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको येलो कलर चाहिए तो आप केसर यूज़ कर सकते हो, उससे अच्छा और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और कलर आएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी लेयरिंग तैयार हो चुकी है। अभी जो मेन स्टेप हमें करना है, हमें इसे दम देना है। दम देने के लिए हमने इस पर लिड लगाकर ऐसा लिड लेना है जो इसे पूरी तरह से ढक्कन से कवर हो जाए। अगर आपके पास पूरी तरह से ढका हुआ लिड नहीं जिसमें इसमें इसकी पूरी तरह से इसकी भाप निकल रही है, तो आप इस पर साइड से डो लगा के भी इसे सील कर सकते हैं ताकि इसकी दम बाहर ना निकले। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे इस लिड में छोटा सा होल है, इसे भी मैं कवर करने वाला हूँ हमारे डो से ताकि ये इसकी भाप बाहर ना निकले और इसे अच्छे से दम मिले। फ्रेंड्स हमने एक तवा रख लिया है, इसे हमें अच्छे से गर्म करना है और इसी पर हम अपने बिरयानी को दम देंगे करीबन 15 मिनट के लिए। फ्रेंड्स जैसे आप जानते हैं मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया था 5 मिनट्स के लिए, तो अब इसे मैं स्लो कर दूंगा करीबन 15 मिनट के लिए, इसे हमें मीडियम हीट पर दम होने देना है। फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम बिरयानी को चेक करेंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें अच्छा फ्लेवर और अनुमा आ रहा है। आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें दम लग गई है, अभी हमें इसे सर्व करना है। फ्रेंड्स हमारी वेज सोया मोती बिरयानी रेडी हो चुकी है, हमने इसे गार्निश किया है क्रिस्पी अनियन के साथ और थोड़े से कोरिएंडर और मिंट के साथ। इसके साथ हम आप इसे सर्व कर सकते हैं कचुम्बर या तो रायता के साथ, हमने इसे कचुम्बर के साथ में सर्व किया है। बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है, आप इसे जब ट्राई करेंगे तो आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब करने की और शेयर करेंगे, उससे आपको बाकी लोग को भी इसकी एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसे ज़रूर बना के हमें बताइए कि किस तरह से बना है। फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।